आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं या जानने वाले हैं जो एमसीसी पैनल होता है, एमसीसी पैनल कैसे काम करते हैं और एमसीसी पैनल में जो फीडर रहता है, सिंपली जो ड्यूल स्टार्टर होता है, तो फीडर के अंदर में क्या क्या पार्ट्स रहता है और कैसे काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। ओके, वीडियो पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है, पूरा एंड तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज और आप लोग देख रहे हैं द इंजीनियरिंग वाले यूट्यूब चैनल। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस फीडर के बारे में जो संजय सर है ये बोलने वाले हैं कि क्या क्या लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो सर बोलिए हम लोग को क्या क्या रहता है इसके अंदर पे। के बारे में सीखते हैं, थोड़ा पास लेकर आइए फीडर के। पहले हम बता देते हैं साथ में क्या क्या इधर। इसको हम लोग SFU कहते हैं, स्विच फ्यूज यूनिट, और इसी के साथ साथ हमारा SFU में HRC फ्यूज लगा रहता है। आप देख सकते हैं 20 एम्पियर 20 एम्पियर 20 एम्पियर का सारा फ्यूज लगा हुआ है। और इसमें हम ये जानेंगे, इसमें हमारा इनकमर सप्लाई है जो आप देख सकते हैं 440 की सप्लाई आती है। एक तरफ से इनपुट होता है और एक तरफ से हमारा आउटपुट होता है। ठीक, और इसमें हम साथ ही साथ इसके अंदर एक एक्सिलरी कॉन्टैक्ट दिया हुआ, आप देख सकते हैं NONC दिया हुआ है। ये आप ध्यान से देखिए, NO दिया हुआ है। जब हम पावर ऑफ करेंगे नॉर्मली ये NO रहता है, यानी पावर बंद तो NO। जैसे हम ये फ्यूज को, यूनिट को अगर चालू करते हैं तो ये हमारा NC में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब ये बताएगा कि आपका सप्लाई चार्ज है, इधर से ट्रांसफर हो रहा है आउटपुट। अब अगर हम यहाँ से अगर चालू करते हैं तो इसका पावर निकल के हमारा ये पावर कॉन्टैक्टर है। ये आप देख सकते हैं पावर कॉन्टैक्टर, पीछे पावर कॉन्टैक्टर है ये, और इसके ऊपर हम एक एडन ब्लॉक लगा कर रखें अगर एक्जलरी कुछ हमको यूज करना है तो। और ये आप देख सकते हैं यहाँ मॉडल है, ये एक्जलरी है, इसीलिए MNX A1 है, नहीं तो पीछे आपका MNX 32, MNX 12, MNX 30 रहता है। आपका लोड के हिसाब से हम यूज करेंगे। यहाँ से फिर आपका ये रिले दिया हुआ है, थर्मल ओवरलोड रिले बोलते हैं इसको। फिर इधर से हमारा आउटपुट निकल के आपका मोटर में जाता है। और आप देख सकते हैं ये हमारा जो ओवरलोड रिले है, थर्मल रिले, ये भी हमारा LNT का है। ये पावर कॉन्टैक्टर LNT का, ये भी LNT का है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हमारा एक एक्सिलरी कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। ये हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर हमको PLC से ऑपरेट कराना है तो एक देख के रखें एक्सिलरी। पहले हम कमांड इसमें देंगे, इसमें देने के बाद फिर हमारा एक कॉन्टैक्ट दिया हुआ NO, जब ये ऑपरेट होगा तो ये NC में कन्वर्ट होता है। फिर हम यहाँ से सप्लाई लेके अपना पावर कॉन्टैक्टर को होल्ड करा लेते हैं। अब हमारे पास आया है ये हमारा फेस सीक्वेंस रिले है। फेस सीक्वेंस रिले इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम देखिए यहाँ पे अब लिए सप्लाई, अब यहाँ से हम तीन फेज को इनपुट में लेंगे RYB। इनकेस बाद अगर आपका फ्यूज अगर आपका एक डैमेज हो जाता है या फिर ब्लो कर देता है, जल जाता है, तो ये बात इंडिकेट करेगा कि आपका एक फ्यूज चला गया है। कंडीशन आपका बहुत कुछ होता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट होने से भी आपका फ्यूज डैमेज होगा, या फिर नॉर्मली ओवरलोड होके किसी अनबैलेंस करंट हुआ उसमें भी आपका एक फ्यूज जा सकता है, तो वो इंडिकेट करेगा कि आपका फ्यूज चला गया है। इसलिए चला गया है ताकि हमारा मोटर डैमेज ना हो, इस ताकि वो पहले ही बता दे हमारा चालू करने से पहले ही। और ये चालू होगा भी नहीं क्योंकि हमने इसमें पावर कंट्रोल लिया हुआ है। जब ये तीनों फेज इसमें आएगी 440 440 440, तभी जाके हमारा ये NC बनेगा। अब हम देखेंगे, हमारा फर्स्ट ये है कि अपना MCB यूज किया। हम MCB इसलिए यूज करते हैं, अगर हमको इन सबको कंट्रोल करना है तो हमको भाई फेज और न्यूट्रल चाहिए ही चाहिए, चाहे चालू करना चाहे बंद करना है। एक कंट्रोल के लिए हमारा हम MCB लिए हैं 6 एम्पियर का, सिर्फ कंट्रोलिंग के लिए। ये यहाँ से आपका आके, अब देखिए आप यहाँ पे एक्सिलरी कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये आपका इसमें आता है। फिर यहाँ से हम लेके फिर सभी में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपका सीरीज वाइज, सब सीरीज में रहता है आपका कंट्रोलिंग, ये जितना भी है। CT है मेरा, ये CT इसलिए लिए हैं, अगर मान लीजिए हम चलाते हैं तो हमको करंट देखना ही देखना है, तो हम उसके लिए करंट यूज करते सीटी यूज करते हैं। आप देख सकते हैं ये सीटी के बाद हमारा इसका सेकेंडरी जो है S1 और S2 जो होती है, ये हम यहाँ पे लेके रखे हुए हैं। S1 ऊपर मतलब D1, D70 और D30 अपना है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमको जैसे अगर सीटी में काम करना है, सीटी रिप्लेस करना है बाद में अगर फेल होता है, तो हम सब जानते हैं सीटी का सेकेंडरी जब भी काम करना होता है हमें उसको शॉर्ट करके रखना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्टिंग करने के लिए हमारा दिया है, इसको खोल के हम शॉर्ट कर सकते हैं ताकि अपना यूज चेंज करना है चेंज कर लें कभी भी। आप देख सकते हैं यहाँ के बाद अपना यहाँ शॉर्ट कॉन्टैक्ट यहाँ पे अपना टर्मिनल के बाद यहाँ से हम किस में लेते हैं, ये हमारा एमीटर है। एमीटर आप देख सकते हैं, एमीटर हमारा ये एमीटर है, इसमें हमारा हम करंटिंग इसका यहाँ से करते हैं, इसको सीरीज में लेके दे देते हैं ताकि अपना मालूम चले करंट कितना हमारा। ये नेक्स्ट हमारा इल्यूमिनेशन लैम्प, यानी इंडिकेशन पे हम जो यूज करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा ये फीडर हेल्दी का है, फीडर ऑन का है, फीडर ट्रिप का है। फीडर हेल्दी जो है आपका कब होगा, जब हम इसको चालू करेंगे। चालू करने के बाद आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट यहाँ से है आपका, जब रहेगा तभी यहाँ से अपना मेन सप्लाई आगे पास होगा।
उसके बाद फिर जब ये सही रहेगा आपका माउंटिंग रिले का, अगर तीनों फेस सही है तो हम आउटपुट अपना लेंगे इसको फीडर हेल्दी का, ठीक है। उसके बाद हमारा दिया है ऑन का। ऑन का हम क्या करते हैं, जैसे अगर अपना मान लीजिए पीएलसी से या कहीं से भी हम फील्ड से कमांड देते हैं, तो इसमें आने के बाद हमारा मेन कंट्रोल ऑपरेट होता है, तो यहाँ से हम अपना इसको देने के लिए चालू हुआ कि नहीं हुआ उसको एक आसान तरीके से जानने के लिए हम इल्यूमिनेशन लैंप लगाए, जो ऑन इंडिकेशन का आप देख सकते हैं यहाँ से एनओ से हमने उठा के रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है। और तीसरा हमारे पास आता है ट्रिप का। अगर इनकेस अगर ये ट्रिप हो गया मोटर तो पता कैसे चलेगा, तो आप देख सकते हैं अगर हमारा कभी बाय द वे अगर मोटर ट्रिप होता है या ओवरलोड या अनबैलेंस कुछ भी कारण से अगर ट्रिप हुआ तो थर्मल रोड से ट्रिप होगा, तो यहाँ ये हमने एक एनओ कॉन्टैक्ट लिया हुआ है, वो क्या होगा जब भी ट्रिप होगा तो ये एनओ एनसी में कन्वर्ट होगा और इसका आउटपुट हम इल्यूमिनेशन लैंप पे दे के रखें ताकि हमें पता चल जाए मोटर ट्रिप हुआ है आपका यहाँ से। और ये तो जानते ही हैं सब लोग इमरजेंसी है, अगर इनकेस अगर हमको अचानक से बंद करना हो तो हम इमरजेंसी बटन प्रेस कर देंगे तो हमारा पावर बंद। तो ये हमारा पूरा ड्यूल के बारे में आप समझ चुके हैं, ये इल्यूमिनेशन लैंप, इमरजेंसी, एमीटर, पावर कॉन्टैक्टर, एक्सिलरी कॉन्टैक्टर, फेस सीक्वेंस रिले, थर्मल रिले, ये आपका एमसीबी, ये आपका सीटी की कॉन्टैक्ट है और हमारा ये मेन सबसे मेन एसएफयू। अब हम लोग ड्यूल के बारे में देख चुके हैं, अब हम लोग ड्यूल का आउटपुट देखते हैं केबल कहाँ कहाँ जाती है इंडिकेशन के लिए। तो ये अपना फीडर का ये पूरा टर्मिनल दिया हुआ है, कंट्रोल सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा इसको अगर हम लोग यूज करेंगे कंट्रोलिंग के लिए तो हमारा टू फेस सिंगल फेस सप्लाई चाहिए, तो ये हम यहाँ से देखे रखें आप देख सकते हैं ये फेज है और ये न्यूट्रल है, फिर यहाँ से अंदर जाएगा सारा कंट्रोलिंग है। और ये है आपका एलपीवीएस के लिए इमरजेंसी सप्लाई, क्या है ना हमको अगर हमें पता है साइट पे काम कर रहा है तो वहाँ भी हम ऐसा है कि इमरजेंसी लगाते हैं साइट पे, अगर इमरजेंसी में बंद करना है तो ये हमारा इमरजेंसी के लिए हम यूज करेंगे। ये अपना है, ये कॉमन सप्लाई जाएगा, ये रिटर्निंग है और ये स्टार्ट के लिए। अब देखेंगे हम ये देख रहे हैं ये हमारा RYB, ये हमारा डायरेक्ट मोटर में जा रहा है, ये हमारा अंदर से आ रहा है, इसके अंदर से जो हमारा रिले से जो आउटपुट हो रही थी, रिले से जो अपना RYB निकल रहा है, ये हमारा केबल LA के टर्मिनल में ऊपर जा रहा है ताकि जब हम चालू करेंगे तो ये सीधा ये अपना मोटर टर्मिनल में जा रहा है, आप देख सकते हैं RYB। अब देखेंगे हम, अब हमारा लास्ट में बचा है ये चीज़, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर बाय द वे मान लीजिए अगर आपकी कंपनी या आपका कहीं भी ऑटोमेशन प्लांट है तो हमको वहाँ पे क्या है CCR में या फिर कहीं ऑटोमेशन में अगर दिखाना है भाई ये मोटर चल रहा है या बंद है या ट्रिप है या हेल्दी, तो उसके लिए हम ये सब कंट्रोलिंग इन सब का फीडबैक का NONC से लेकर रखे हुए हैं। ये कंट्रोलिंग के लिए लिया गया, ये हमारा DI और DO है, यहाँ पे ये चार हमने DI इस्तेमाल किया है, मोटर ऑन ऑफ हेल्दी के लिए हमने इतना इस्तेमाल किया है ये। और दूसरा हमारा ये देख रहे हैं आप 1 और 2 TV में गया हुआ, ये एक में कॉमन सप्लाई है और एक हमारा ये आपका DCS, अगर हम ऑन कमांड देंगे तो हमारा ये ऑन हो सप्लाई इधर आएगा उसका, फिर हमारा मोटर रनिंग करेगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये सब यूज करते हैं कंट्रोलिंग। और ये सब जितना भी हमारा इनको छोड़ के ये हमारा जो है चार जो 5-6 केबल है ये हमारा इंडिकेशन के लिए DCS में जाता है, और ये जो है फीडर से आके ये अपना जाता कहाँ है ये अपना आपको दिखाते हैं। IO पैनल हमारे पास है, आप इधर देख सकते हैं ये सब सारा हमारा DO, DI यहाँ पे सब कुछ यूज किया गया, ये सब DCS में जाने के लिए। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में प्लीज़ बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस बारे में बताना है, किस बारे में आपको जानना है, तो हम उस बारे में कोशिश करेंगे आपको समझाने की। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।